बिग बॉस ओटीटी 2 के फैमिली वीक में वो पल आ गया है जब सभी कंटेस्टेंट को अपने घर वालों से मिलने का मौका मिला। जहां एल्विश यादव के पापा उनसे मिलने पहुंचे, वहीं पूजा भट्ट के पापा महेश भट्ट ने भी घर में एंट्री की। इसी तरह मनीषा रानी के पापा अभिषेक मल्हान, जिया शंकर और अविनाश सचदेव की मम्मी ने बिग बॉस के घर में आकर चार चांद लगा दी। पूरा माहौल आंसुओं के सैलाब से भर गया। बेबिका धुर्वे के ज्योतिष पिता जनार्दन भी पहुंचे और उन्होंने एल्विश, मनीषा और अभिषेक के भविष्य को लेकर दिलचस्प बातें बताई। दरअसल जनार्दन ने बताया कि मनीषा रानी की 2024 तक शादी हो जाएगी और अभिषेक मल्हान के पास खूब रुपया पैसा होगा और वो खूब नाम कमाएंगे। हालांकि कंटेस्टेंट के घर वालों ने जाते जाते अपने फेवरेट सदस्य को स्टार का बैज भी दिया, जिसका खास महत्व है। देखना ये होगा कि कौन इस हफ्ते घर से बेघर होगा और कौन फिनाले तक जाएगा। 45वें दिन की शुरुआत धमाकेदार डांस से होती है। घर को बीबी होटल में तब्दील कर दिया गया है और बीबी होटल में आने वाले मेहमान उनके घर वाले होंगे। इस कार्य को जीतकर कंटेस्टेंट खुद को फिनाले तक पहुंचने के बेहद करीब आ जाएंगे, जिसके बाद घंटी बजती है और सभी घर वाले रेड कार्पेट एरिया में खड़े हो जाते हैं। मनीषा रिसेप्शनिस्ट बनकर खड़ी हो जाती हैं और बाकी कंटेस्टेंट अपनी ड्यूटी संभाल लेते हैं। घर में सबसे पहले अविनाश सचदेव की मम्मी पूजा सचदेव की एंट्री होती है। वही दूसरी घंटी बजते ही दूसरे मेहमान जो घर में एंट्री लेते हैं वो है मनीषा के पापा मनोज कुमार। ऐसे ही एक एक कर सभी कंटेस्टेंट के घर वाले बीबी होटल में आते हैं और सभी कंटेस्टेंट से मिलते हैं। वैसे आपको कैसे लगा ये फैमिली वीक, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।